Yes, students, now see the next one. How much more is 16,500 than 14,756? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? How much more? How much, जहां पर भी वर्ड आता है, मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे हम क्या लगाएंगे? सब्ट्रैक्शन लगाएंगे. ऊपर भी how much आ रहा था तो हमने माइनस करवाया, यहां पर भी how much है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. How much more? ठीक है, how much more? More का मतलब क्या होता है बेटे? ज्यादा. क्या ज्यादा है? यानी कि कोई नंबर ज्यादा है तो हमें दिख रहा है ये नंबर बड़ा है इस नंबर से. 16,000 बड़ा होता है ना बेटे 14,000 से, तो इसका मतलब ये वाला नंबर जो है वो बड़ा है, ज्यादा है. यही लिखा है ना, हाउ मच मोर इज दिस नंबर देन दिस. ये वाला नंबर इस नंबर से कितना बड़ा है, ये आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है ना, हाउ मच मोर इज दिस, ये कितना बड़ा है. देन, देन वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं. इन दोनों नंबर के बीच में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है ना. तो ये नंबर अगर बड़ा है तो ये कितना बड़ा है इस नंबर से, आपको ये बताना है. तो वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम माइनस करेंगे, और हाउ मच लिखा है तो माइनस तो करना ही है हमें, है ना. तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, स्टेटमेंट देखिए, हम इस तरह से लिखेंगे बेटे, ग्रेटेस्ट नंबर. क्लियर? अब इसमें हमें और कुछ स्टेटमेंट तो दी नहीं हुई है ना, स्टोरी तो हमें कुछ दे नहीं रखी, तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, उसके बाद उसका डिफरेंस. क्लियर? ये आपने तीन वर्ड यूज करने हैं सी पार्ट में. ग्रेटेस्ट नंबर आपका है 16,500, जो बड़े वाला है. इसमें से हम स्मॉलेस्ट माइनस करेंगे तो स्मॉलेस्ट वाला कौन सा है? 14,756. क्लियर? अब आपने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो बड़े में से छोटा जब हम माइनस करेंगे, आप देखिए एक साथ टू जीरोज हैं, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें फाइव से ही कैरी लेना पड़ेगा, और ये बना दिया मैंने फोर, दिस बिकम टेन. अब ये वाला टेन जब इसको वन देगा तो खुद तो नाइन बन जाएगा और इसको टेन बना देगा, है ना. तो टेन में से बेटे सिक्स जाएंगे तो फोर आएंगे, और नाइन में से फाइव जाएंगे अगेन फोर, फोर में से सेवन नहीं जाएगा, सिक्स से कैरी लेंगे, 14 बन गया, और 6 क्या बन गया? 5. 14 माइनस 7 दिस इज 7, 5 माइनस 4 दिस इज 1, 1 माइनस 1 दिस इज 0. सो हेयर वी गेट 1744. ठीक है, तो ये जो ये वाला नंबर है ना 16,500, ये इतना ज्यादा है इस छोटे वाले नंबर से, यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में. क्लियर? नाउ सी द लास्ट वन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस. What must be subtracted? क्या subtract किया जाए from इसमें से, यानी ये number बड़ा है, इस बड़े number में से क्या subtract किया जाए to get this, कि हमारे पास ये आ जाए. Get का मतलब मिलना. ये वाला number कब मिलेगा? जब आप इस number में से इसी number को minus कर दोगे. बात समझ में आई? ध्यान से समझिए बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस. इतना हमें पता है कि जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर है. ठीक है, ये ग्रेटेस्ट नंबर है. इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास ये नंबर आ जाए, और ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है. अगर इस नंबर में से, बड़े में से ये वाला माइनस कर दूं तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा. ठीक है, जो हमें चाहिए, जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर? तो आपने इन दोनों को क्या करना है बेटे? माइनस, सब्ट्रैक्शन करेंगे, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहां पे देखो, सेम स्टेटमेंट बनेगी. ग्रेटेस्ट नंबर आपने लिखना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर मेरे पास है 5,25,873, और यहां पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है दिस इज 1,75,693. और जो नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो ये होगा, जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा. नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आएगा वही नंबर आपको चाहिए, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है. क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, दिस इज होमवर्क फॉर यू. आपने सिंपली सब्ट्रैक्शन करनी है. सब्ट्रैक्शन तो आप कर सकते हो, है ना, सब्ट्रैक्शन इज वेरी वेरी इजी. तो आपने कैरी का ध्यान देना है और इसको प्रॉपरली इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है. ओके, सो हेयर योर यूनिट टू इज कंप्लीटेड.